अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हैरी से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो मेरी भाभी रेडी करने लगी हैं, तो वो बनाने लगी हैं आज कुछ डिफरेंट टाइप के चने। ब्लैक चने लिए हैं, उनको ओवर द नाइट इनको भिगो के रखा था, अभी बॉयल भी किया है तो अच्छे से ये गल चुके हैं। नेक्स्ट वो रेसिपी रेडी करेंगी तो बताएंगी साथ साथ मुझे, तो मैं बताती रहूँगी आपको। चनों को भिगो के रखा था और 10 से 15 मिनट लगे हैं, इनको बॉईल किया है। एक अदद प्याज लिया है स्मॉल साइज का, बारीक काट लिया है। एक अदद टमाटर लिया है, उसको भी बारीक काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें। नेक्स्ट भी वो स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश धनिया, 1/2 टेबल स्पून खुश मेथी, नमक हसबे जायका। तो आइए भी बस आज की रेसिपी रेडी करते हैं। नेक्स्ट भी बस ऑयल ले लिया है 4 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो भी मसाला फ्राई हो चुका है, अभी स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे, तमाम स्पाइसेस। पानी शामिल करके अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। तो मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अब शामिल करेंगे इसमें चने। तो ये चने बॉयल किए तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये चने की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अब शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। नेक्स्ट अब इसकी फाइनल लुक आपको चेक कराते हैं। सो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी फ्राई चना रेडी हो गई है, और इसके साथ रेडी कर लिया है कचूमर सैलड, जिसके साथ इसका जायका और दुबला हो जाएगा। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।